हर इंसान की ज़िंदगी का एक लाजमी जो आस्पेक्ट है वो जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के फैसलों को करना फैसले लेना है सो डिसीजन मेकिंग सीम्स टू बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स लाइफ इन हिज़ और हर पर्सनल कैपेसिटी इन इज हिज़ और हर पर्सनल लाइफ एज वेल एज वेयर एवर इन वॉट एवर सनारियो वॉट एवर बिजनेस ही इज़ वर्किंग विथ सो डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना उसका मेंबर बनना उसको लीड करना या उसको फॉलो करना ये हर इंसान की जिंदगी में वो एक्सपीरियंस है जो कि उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में करना पड़ता है और प्रॉब्बली एक ऑन गोइंग शक्ल है इसकी जो कि जारी रहता है ये सफ़र सो uh, so इसकी इंपॉर्टेंस को हम निगेट नहीं कर सकते एंड दैट इज़ वाई वैन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट वैन इट कम्स टू एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्किल एंड इट हैज़ बीन स्टडीड विद कीन ऑब्जर्वेशन एंड फोकस और इसकी बहुत सारी टाइप्स को आइडेंटिफाई करता है लिटरेचर और इसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड करता है और उसकी डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं सो यू विल फाइंड मैनी वेज टू कैटेगराइज डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स एंड डिसीजन इट सेल्फ और यू कैन जस्ट मेक योर ओन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज इन यूर माइंड की आप किस लिहाज से डिसीजन मेकिंग को समझना चाह रहे हैं उसको क्लासीफाई करना चाह रहे हैं उसकी कैटेगरीज को सिमिलैरिटीज पे बेस करके डिफ्रेंसीशन पे या कौन से वो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से ख्वास हैं जिसकी बायस आप डिसीजन मेकिंग के मुख्तु टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या खुद उनको डिवाइड करके अब अपनी फहम को अपनी तदराक को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं सो लेट्स जस्ट ट्राई टू सी सम इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कि डिसीजन मेकिंग के प्रोसीजर में मौजूद होते हैं और जिनमें से हर एक को आप जहन में रख के डिफरेंट टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिफरेंट प्रोसीजर्स को समझ सकते हैं वेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग फॉर एग्जाम्पल डिसीजंस कैन बी गोल ओरिएंटेड तो ये एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है कि हर डिसीजन में अमूमी तौर पे और कुछ डिसीजन स्पेसिफिकली एक गोल के गिर्द ही घूम रहे होते हैं तो उसमें गोल की अचीवमेंट उसको हासिल करने की इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और जो कि इन इमीजिएटली भी अचीव हो सकता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है लेकिन उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी हो सकता है कि आपने एक खास मकाम पे पहुँचना है और उसके लिए आपको एक खास प्लान को फॉलो करना पड़ेगा विच मे स्प्रेड ओवर नंबर ऑफ ईयर्स सो फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्बिशन ये है या आपका गोल ये है कि इवेंचुअली यू वांट टू बी Uh, a finance manager or you want to study commerce degree or whatever you want to become a commerce graduate. So mind as a student, beginning say goal set so you will just keep that goal in your mind and you will take all the decisions in your academics, in your alma mater related to this goal. So admission procedure, colleges, programme, evening morning, so all of those decisions will be मेड बिकॉज ऑफ़ दैट बेसिक गोल जो कि आपके माइंड में है सो गोल और एक टाइप है नंबर टू वो अल्टरनेटिवस हैं किल्टरनेटिव कोर्सिसशन वो अल्टरनेटिवस कभी मौजूद होते हैं हमारी ज़िंदगी में दो तरह की चॉइस हमारे पास होती हैं या मुख्तफ ऑल्टरनेटिवस होते हैं जिसमें से कि किसी एक को उठा करके आपने डिसीजन लेना होता है अगर आपकी सामने कोई भी आल्टरनेटिव नहीं है आपके पास कोई चॉइसेस अवेलेबल नहीं है कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो फिर तो आपका डिसीजन एक तरह का एक फोर्स या एक मजबूरी के तहत या एक लाजमी हिस्सा ही वही बन जाएगा यू डोंट हैव एनी थिंग टू डिसाइड अबाउट यू डोंट हैव एनी चॉइस और ऑप्शन अवेलेबल सो इसलिए जहाँ पर आपको अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी एजुकेशनल लाइफ में अपनी पर्सनल लाइफ में और या फिर आपके पास चॉइसेस हैं डिफरेंट तरह के चॉइसेस अवेलेबल हैं जो ऑपोजिट्स भी हो सकती हैं सिमिलर भी हो सकती हैं तो वहाँ पे आपने जो ऑप्शन उठानी है या ऑल्टरनेटिव को आपने सेलेक्ट करना है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उसके बारे में पूरी रिफ्लेक्शन करके आप एक चॉइस उठाएंगे सो डिसीजन मेकिंग में एक अहम करेक्टरिस्टिक वो स्किल सेट है जो कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में से हमें एक तरह के एक्शन एक तरह के कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करके चलने के लिए आगही देती है और सलाहियत देती है देन एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये है कि सम डिसीजंस मे बी क्लासिफाइड और मे बी जस्ट आइडेंटिफाइड एज बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव और जो इसकी जो इसकी जो समझ है या इसकी जो तरवीज है या इसकी इंटरप्रटेशन है वो डिसीजन के आउटकम्स पर डिपेंड करता है और जिस तरह लोग जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं जैसे वो इसको एक्सपीरियंस करते हैं तो दे वुड कॉल दैट डिसीजन ए नेगेटिव और पॉजिटिव वन फॉर एग्जांपल अ कंपनी हैज ग्रुप ऑफ पीपल हु वांट टू हैव सर्टन ऑफ़ इंक्रीज इन देयर सैलरी एंड देर निगोशिएटिंग विद द सीनियर मैनेजर्स एंड इफ द निगोसिएशन आर नॉट कम पॉजिटिव एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिजायर्स दे मे जस्ट यू नो गो ऑन स्ट्राइक और गो ऑन जस्ट रिड्यूस्ड वर्किंग आवर्स और समथिंग लाइक देट और अगर उसके नतीजे में जो सीनियर मैनेजमेंट है वो एक ऐसा लाइन ऑफ एक्शन अडॉप्ट करती हैं या फिर एक ऐसा डिसीजन लेती हैं कि या वो फ़र्दर नगोसिएशन को वेलकम कर देते हैं सीरियस टॉक्स को वेलकम कर देते हैं या फिर उनके मुतालबात को मान लेते हैं तो उसको हम एक पॉजिटिव डिसीजन कह सकते हैं बिकॉज द आउटकम और द पर्पज इज़ क्वाइट कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव Whereas if the management takes this kind of uh, you know strategy कि हमने इनको कोई penalty डालनी है इनकी हमने बात नहीं माननी तो that will be a negative decision. Deferment एक और type है ये characteristics हैं कभी हमें ऐसे भी हालात का सामना करना पड़ता है कि जिसमें हम immediately कुछ चीज़ decide नहीं कर सकते. For example आपने business expand करना है आपने कोई certain group के um, subjects को introduce करना है so you just need more time to reflect and observe. सो so उसमें आप कोई भी डिसीजन को निगेट नहीं करते यू जस्ट बाय सम मोर टाइम और डिफर करते हैं उस uh, मौके को या उस टॉक को टिल द टाइम दैट यू रीच टू अ फाइनल फाइनल डिसीजन सो इस स्टेट ऑफ माइंड को हम डिफरमेंट कहते हैं विच मे बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इट सेल्फ